concept headlines hai treatment of reserves and accumulated profits or losses. The question mein padhta hun, X, Y and Z are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Z retires from the firm on 31st March 2018. On the date of Z's retirement, the following balances appeared in the books of the firm. जो नीचे जो बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व लायबिलिटी में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस एसेट में होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 24,000 व्हिच वाज नो मोर रिक्वायर्ड, ये लायबिलिटी में होगा। तो ये तीनों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बट एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो 20,000 है, ये लायबिलिटी है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में अपीयर कर रहा है। ये पैसे एम्प्लॉय को दिया जाएगा, एम्प्लॉइज लायबिलिटी टुवर्ड्स द फार्म्स लायबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉइज, इसीलिए आपको इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द ऑफ दीज आइटम्स ऑन जेड्स रिटायरमेंट। तो जेड्स रिटायरमेंट में आपको क्या करना है ना, इसी को आपको ट्रीटमेंट करना है, और ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं, ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर कर रहे हैं। अगर ये पहले से दिखाई नहीं दे रहा होता, अभी नाउ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इट इज फाउंड दैट जेड्स रिटायरमेंट इट वाज फाउंड दैट कि रिटायरमेंट के दिन पे पता चला कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी 20,000 इंक्रीज इन लायबिलिटी, तो हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट, रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर करेंगे, फिर प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स में लॉस को। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ क्योंकि बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जर्नल एंट्री नहीं होगा। अभी बाकी जो ऊपर वाले तीनों का इंडिपेंडेंट जर्नल एंट्री इंडिविजुअल एंट्री कर सकते हैं, तो राइट डाउन इसका कंबाइंड एंट्री भी हो सकता है, बट बेटर इंडिपेंडेंट एंट्रीज करो सबका अलग अलग। फरमान बनाओ फेयर नेट में पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 30,000 है, तो उसको राइट अप कर देते हैं। डेट लिखो, 31st मार्च इज द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ जेड। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000, बीइंग अक्रूड अक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ लास्ट ईयर्स ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ बी ऑन फॉर रिटायरमेंट ऑफ बी। तो बी रिटायर हो गया, ये जो 30,000 था लॉस उसको राइट अप कर दिया एक्स वाई जेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जनरल रिजर्व है उसको रेज कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अकाउंट को। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1,80,000, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 90,000, टू वाइस कैपिटल अकाउंट 60,000, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 30,000, बीइंग ऑन एट अनडिस्ट्रीब्यूटेड जनरल रिजर्व नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन ओल्ड रेशियो फॉर रिटायरमेंट ऑफ वाई, यू कैन से ऑन रिटायरमेंट ऑफ वाई। और इसके बाद ना वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है व्हिच वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, इसके ऊपर अगर लायबिलिटी होगा तो लायबिलिटी को माइनस करके बाकी ट्रांसफर करते हैं, बट ये चाहिए नहीं, तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे ट्रीटमेंट होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड 24,000 ओल्ड रेशियो में, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट 12,000, टू वाइस कैपिटल अकाउंट 8,000, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 4,000, being undistributed workmen's compensation fund transferred to old partners capital accounts in old ratio for retirement of y, और debit credit दोनों कॉलम को total करके हम करेंगे rupees 2,34,000 debit credit side दोनों total।